इस वक्त हम बम का गोला हैं, याद रखिए हम मानव बम है, हर आदमी मानव बम है। जब ये फटेगा तो लाइनों की लाइनें तबाह हो जाएंगी। भगवान की कृपा से खुद समझिए, लोगों को समझाइए और नरेंद्र मोदी जी के संदेश को घर घर तक पहुंचाइए। हिंदुस्तान मर जाएगा हर व्यक्ति, पर कभी घटिया खेल मानवता के साथ नहीं करेगा। जिस तरीके से इटली के अंदर 70 साल 80 साल के बुजुर्गों को अकेला छोड़ दिया और दूसरों को कर दिया, यहाँ 100 साल का भी होगा। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जे मानवता का सबसे बड़ा राक्षस। आज अगर 100 साल का भी बुजुर्ग होगा, हमारा बुजुर्ग पिता समान, आज उसकी भी हिंदुस्तान की संस्कृति की रक्षा होगी। इस वक्त जिस तरीके से चाइना के खिलाफ तमाम देश के लोग, तमाम कंट्रीज के लोग मोर्चा खोलने जा रहे हैं, क्योंकि वहां से अभी हाल ही में रिपोर्ट में यह पता लगा कि 80 लाख लोग गायब हो गए हैं, 80 लाख लोगों का फोन का डाटा नहीं मिल रहा है, तो क्या कहेंगे आप बिट्टा साहब कि क्या चाइना ने जो पूरे विश्व को यह दंश दिया है उसकी बात संयुक्त राष्ट्र में होनी चाहिए क्या? एक बात स्पष्ट आपको कहूं, अभी यह करने का वक्त नहीं है। अभी मानवता को बचाने का, अपने अपने मुल्कों के अंदर जो कहर है उन लोगों की रक्षा है। ये जो चाइना ने किया, अभी कुछ मत बोलिए इसके ऊपर, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, ये बड़ा अजीब सा मुल्क है, बंदर खाते, चूहे खाते, सांप खाते, कुदरत के साथ खिलवाड़ करते, थोड़ा वेट कीजिए। ये दुनिया का मसला, अकेला हिंदुस्तान का मसला नहीं है। अगर छोटी छोटी बातों की इंक्वायरी होती है, जो दुनिया का मसला है, कहाँ इटली, कहाँ अमेरिका, कहाँ कनाडा, कहाँ हिंदुस्तान, कहाँ पाकिस्तान, कहाँ श्रीलंका, जनाब ये चीजें बाद में करेंगे। ये होगी, ये इंटरनेशनल जांच होगी, बहुत बड़ा स्कैंडल होगा। आज ट्रंप आज सी जिनपिंग से बात करने जा रहे हैं, आज सी जिनपिंग से ट्रंप साहब बात करेंगे। मैं एक आपको स्पष्ट कह दूं, ये चीजा मसला बहुत बड़ा है, ये छोटा सा मसला नहीं है। इसके ऊपर इंटरनेशनल हर कंट्री एक होगा हर मुद्दे के ऊपर, क्योंकि ये भी एक ग्लोबल वार्निंग है, एक वार है, ये एक है। हम कई बार नारा देते हैं, वार अगेंस्ट टेररिज्म, ज्वाइंट हैंड अगेंस्ट टेररिज्म, ये अलग तरह की जंग है। किसी मुल्क को कमजोर करना है, दुनिया को कमजोर करना है, छुड़की छेड़ो पता नहीं चलता, खत्म हो गया। तो एक मुल्क कहेगा मैं तो पावरफुल बन गया। 1.5 करोड़ लोग चाइना के अंदर गायब हुए हैं जनाब, 80 की रिपोर्ट गलत है, 1.5 करोड़ टेलीफोन का डाटा नहीं है। पर ये हिंदुस्तान है, आज हिंदुस्तान चाइना नहीं है, हिंदुस्तान इटली नहीं है, ये आज का हिंदुस्तान है, ये नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर की तैयारियों से कितने संतुष्ट हैं। इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो सरकार की तैयारियां हैं, आप इससे कितना संतुष्ट हैं भारत की तैयारियों से, सरकार की? मेरा, मैंने आपको पहले कहने वाला था, मैंने जिंदगी में जो एक रिसर्च किया, आज के वक्त हम भी मंत्री रहे, 70 साल की आजादी के बाद आज हम कहां खड़े, हमें आज पता चला, अरे हम खड़े कहां हैं। अस्पताल थे अंग्रेजों के टाइम पे जिनको हम गाली देते थे, अस्पताल थे ये राजस्थान के अंदर राजे महाराजों के बनाई हुई चीजों के, अस्पताल सुंदर थे, डॉक्टर सुंदर थे, हमने इलाज देखे, अपने बुजुर्गों के इलाज देखे, क्या अस्पताल थे, पुराने टाइम के अस्पताल, पुरानी बिल्डिंगें, 200 साल टूट नहीं सकती। आज पता चला जनाब, हमने मुल्क को लूटा है। हम पॉलिटिशियनों ने, मंत्री तो जरूर उस वक्त बने, हेल्थ डिपार्टमेंट के मंत्री बने, स्टेटों में बने, ऑल इंडिया में बने, हमने तो जिंदगी के मजे लिए जनाब, हमने तो ये सोचा ही नहीं कभी कभी ऐसी कहर आएगा हिंदुस्तान के अंदर। आज कोरोना है, कल कोई और फ्लू है, फिर कोई और बीमारी चूहों की आ रही है, कि अगर कोई ऐसा हादसा हो गया तो दुनिया का इलाज कैसे होगा। मैंने बताया ना, हिंदुस्तान तो इस मामले में आखिरी मुल्क है, इटली दूसरे नंबर पे है, फिर भी हम अभी बचे हैं। भगवान की कृपा से यहाँ कुछ शक्तियां हैं, यहाँ कुछ ताकत है, यहाँ का पूजा है, यहाँ पाठ है। तो मैं आपको बताऊं, 70 साल के अंदर हमारे नकाब खुल गए, हमारे पॉलिटिशियनों के नकाब खुल गए। हम मंत्री ने कहा इस अस्पताल को ढा दो, पुराने को नई बिल्डिंग खड़ी कर दो, तो खड़ी हो गई, ना को प्लानिंग हुई ना कुछ हुआ। उसका क्या हुआ? उसका यह हुआ कि आज हमें ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आज हम आप कल को कोई भगवान कृपा करे ऐसी घटना ना हो, हमारा हिंदुस्तान ठीक होगा, को कल को घटना होगी तो क्या नरेंद्र मोदी जी को बुरा कहेंगे हम?
हम उनको बुरा कहेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सरकार, कोई स्टेट में सरकार हो, हमने अस्पतालों के ऊपर मानवता की रक्षा के लिए, इमरजेंसी के लिए पहल क्यों नहीं दी? हम जिम्मेदार होंगे जो इतने वर्ष हम डिपार्टमेंटों के मंत्री रहे। आज आपने देखे नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री देखे तो बिट्टा साहब, आपने अजीत डोभाल को देखा, क्या संदेश देंगे आप जो अभी भी इतनी बड़ी खतरे के बाद भी आज भी वो मानने को तैयार नहीं है, अपने घरों पर नहीं रुक रहे, उनको क्या बोलेंगे? उनके लिए आपका क्या संदेश है जो आज भी इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं? मैं उनको ये कहूंगा मेरे भाई, मानवता के दुश्मन मत बनो। मैं फिर कहूं, ना नरेंद्र मोदी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, मानवता के दुश्मन मत बनो। एक रोटी खा के गुजारा कर लो लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करके। और वो सुभाष चंद्र बोस जी जब देश गुलाम था, उन्होंने कहा अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो घर की औरतों ने अपना पैसा, भाइयों ने अपने कड़े, सब कुछ मुंदरियां उनके हाथों में सौंप दी थी। आज तो मुल्क आजाद है, उसकी रक्षा करनी है। आज लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए नरेंद्र मोदी जी का संदेश पहुंचाओ, हम दो टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, हम एक टाइम पे खाना खाएंगे, हम तीन बार पानी नहीं पिएंगे, हम दो बार पी लेंगे। अरे जैन समाज के संतों से, महापुरुषों से सीख लो, इतिहास को खोलो। हर व्यक्ति को कहता हूं, जैन समाज के इतिहास को खोलो, जो एक एक महीना खाना नहीं खाते हैं, क्यों तड़पते हो, क्यों भागते हो बाहर? जाना है तो असूलों पे जाओ ना। आपके कारण मानवता करती करती अब दिल्ली के अंदर एक औरत आई, कुवैत तक कहां से आई, ईरान से आई, कई लोगों को देगी। पंजाब के अंदर एक बुजुर्ग आए इटली से, पूरे गांव के गांव तबाह कर दिए, गांव के गांव एक आदमी ने तबाह कर दिए। इस वक्त हम बम का गोला हैं, याद रखिए, हम मानव बम है। हर आदमी मानव बम है। जब ये फटेगा तो लाइनों की लाइनें तबाह हो जाएंगी। भगवान की कृपा से खुद समझिए, लोगों को समझाइए, और नरेंद्र मोदी जी के संदेश को घर घर तक पहुंचाइए। और ये दूसरी पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, जो रुमाल निकाल के ऐसे नीले रंग की जैकेट पहन के चैनलों पे आते, शर्म करो। कह दो नरेंद्र मोदी जी को, आज राहुल गांधी जी ने कहा हम एक हैं, इस वार अगेंस्ट कोरोना के ऊपर, वार अगेंस्ट कोरोना के ऊपर नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े। कह के देखो, अरे इनकी जबान निकलती नहीं, 370 तारा गई तब नहीं निकली, राम जन्मभूमि तब भी निकली, अब मौत का साया हर घर घर में व्यक्ति के पास है तब भी नहीं निकलती। ये आज के हिंदुस्तान की तस्वीर है जनाब। बिल्कुल। तो भिट्टा साहब, चलते चलते आखिरी बार क्या कहेंगे, कुछ आपके पास टिप्स है क्या कोरोना से बचने के लिए? देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे तमाम उन भारत के 125 करोड़ देशवासियों को, कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें? अगर आपके पास कोई टिप्स हो तो आप जरूर दीजिए। मैं उनको जरूर यह कहूंगा, सुबह उठ करके खूब गर्म पानी पिए, हल्का नहीं ज्यादा गर्म पानी पिए, जो मैं करता हूं, कई वर्षों से करता हूं। रात को लहसुन भिगा करके तीन तुरियां, जे मैं कोई वैद्य डॉक्टर नहीं हूं, जो मेरा अनुभव है, उसको चबाएं, खाएं, शहद के साथ खाएं, और उसके बाद अगर हो सका आपके घर में तो वीट ग्रास का जूस, हल्दी, अदरक, निम, तुलसी, उनको डाल करके पिए। उसके बाद नाश्ते में आप आंवले का जूस पिए, गाजर का जूस पिए, मौसम्मी का जूस पिए, आप सारा दिन पानी पिए, लौंग डालें, थोड़ा अदरक डालें, गुट गुट पानी शाम तक पीते रहे, आप नमक के गरारे करें बार बार, तो हो सकता है हम अपना बचाव तो कर सकते हैं। पर अगर भी आज भी हम कहेंगे हम चिकन खाएंगे, हम मुर्गे खाएंगे, हम घर में मजे लेंगे, आज मजे का वक्त नहीं है। आप मजे अगर लेते हैं ना, जब तो इटली का और अमेरिका को देख लो, लाखों लोग सड़कों पे आ गए, अस्पतालों में जगह नहीं है। कृपा करके अपने आप को संभालिए, इस मुल्क को संभालिए, प्रधानमंत्री जी के संदेश को पहुंचाइए, और मानवता की जिंदगी को घर में बैठ के बचाइए, बाहर निकल के नहीं। आज घर में किसी को मत बुलाइए अपने, चाहे आपका सका भाई भी हो, कोई भी आपके आज अगर घर आ रहा है, समझ लो वो आपका दुश्मन है। अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप उसके दुश्मन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा साहब, खास बातचीत करने के लिए। आपके द्वारा मुझे लगता है बताई गई टिप्स भारतवासियों को जरूर पसंद आएगी।